नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम सभी लोग सदैव सुनते आए हैं कि अंधेरे के पश्चात हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन नया सवेरा अवश्य आता है। और ऐसे में यदि आप मीन राशि या मीन लग्न के जातक हैं, तो आपके जीवन में ये सवेरा आज से ठीक 30 दिन पश्चात करने जा रहा है प्रवेश। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, पिछले 18 महीनों से राहु महाराज आपके द्वितीय भाव में विराजित होकर धन से संबंधित बड़ी बड़ी समस्याएं देते आ रहे हैं। धन के कारण आपके पास पूरी अच्छे से प्लानिंग है, किंतु धन के कारण आपके कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे। कुटुंब परिवार में जो यश मान प्रतिष्ठा हमें प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। वाणी के चलते व्यक्ति के बनते बनते कार्य बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सामने वाले को बोल क्या रहे हैं, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसका आउटपुट कुछ और ही निकल कर आ रहा है। यहां से पंचम दृष्टि दे रहे हैं आपके षष्ठम भाव पर। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे पिछले लंबे समय से आप देखते आ रहे हैं। बहुत से मीन राशि वाले जातकों के ऊपर कर्ज लोन की स्थितियां दिन रात उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही। जॉब के अंदर जो एक सुकून प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिसिएशन जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, प्रमोशन है तो वो रुक रहा है। मेहनत आप कर रहे हैं, क्रेडिट किसी और को जा रहा है। मेहनत आप कर रहे हैं, वादे आपसे किए जा रहे हैं कि प्रमोशन अब आपको ही मिलेगा और दिया किसी और को जा रहा है। इवन बहुत से मीन राशि वाले जातकों को पंचम दृष्टि से राहु महाराज ने जॉब छुटाकर घर पर बैठा दिया। कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति के अंदर आपके साथ समस्याग्रस्त निरंतर अवस्था बनाकर रखे हैं गुप्त शत्रु। आपके दिन रात कैसे आपका लेग पुलिंग करें इसी में लगे हुए हैं। यहां से सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। हर कार्य में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते आ रहे हैं पिछले 18 महीनों से राहु महाराज। बार बार आपको लगता है अब ये कार्य मेरा हो ही जाएगा, फिर उसमें रुकावट आ जाती है। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन लगातार आपको घेरे हुए है। बड़े बड़े लॉस हो चुके हैं। कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहे हैं। जितना आप डिजर्व करते हैं उतनी अर्निंग आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है। डिजायर्स आपकी पूरी हो ही नहीं पा रही है और भाग्य का साथ आपको देखने को मिल ही नहीं रहा। जो लोग आपकी हर तरफ प्रशंसा करते थे आज वही आपकी चुगलियां कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए हैं। किंतु अब ठीक 30 दिन पश्चात आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि आज से ठीक 30 दिन पश्चात राहु को कहो अलविदा और उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। जैसे ही राहु महाराज 30 अक्टूबर को आपके द्वितीय भाव को छोड़ेंगे, सबसे बड़ी समस्या जो हर व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो व्यक्ति स्वयं से ही टूट सा जाता है, वो अवस्था है धन की समस्या। और इस समस्या से आप मुक्त होने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 से। धन से संबंधित अब आपके कार्य नहीं रुकेंगे। उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक ग्रह होते हैं वो धन भाव में बने हुए हैं। इवन मैं कह सकता हूं जितना धन से संबंधित आपको परेशानियां देखने को मिली है, जितना धन का लॉस आपने किया है, इसकी रिकवरी 30 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में अवश्य रूप से प्रवेश करवाकर ही रहेंगे। जॉब के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे थे, कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति में आप बार बार चक्कर लगा रहे थे किंतु सफलता नहीं मिल रही थी। प्रमोशन रुका हुआ था, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, कर्ज लोन की स्थिति दिन रात आपको सता रही है, इससे भी आप निश्चित रूप से होने जा रहे हैं मुक्त। यहां से सप्तम दृष्टि की स्थिति में जो हर कार्य में बार बार राहु महाराज ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे थे, बनते बनते कार्य आपके रोक रहे थे, आपको लग रहा था अब ये कार्य मेरा हो ही जाएगा और फिर उसमें रुकावट आकर खड़ी हो जा रही थी। हर एक तारीख से मेहनत करना चालू कर रहे थे ये उम्मीद रखकर कि 30 तारीख को इसके रिजल्ट आएंगे, किंतु जब समय आया रिजल्ट का
तो वहां पर फिर से इन्होंने शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। और इस कारण से जो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन बना हुआ था, उससे भी आप मुक्त होने जा रहे हैं। ससुराल पक्ष से जो आपको किसी ना किसी प्रकार का मानसिक तनाव बना हुआ था, वो भी आपका समाप्त होगा। और नवम दृष्टि से जो आपको कर्म से संबंधित सबसे बड़ी परेशानी मीन राशि वाले जातकों को राहु महाराज ने बना कर दी है कि कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चीजों को बैलेंस होने ही नहीं दे रहे। मीन राशि के जातक, जिन्हें शास्त्र कहता है ये ज्ञानवान, बुद्धिमान और चातुर्यवान होते हैं, अपनी दक्षता के दम पर जीवन में सभी चीजों को, मुकाम को हासिल कर लेते हैं, किंतु पिछले 18 महीनों से आपकी बुद्धिमता, चातुर्यमता और ज्ञानमता की स्थिति को निरंतर हराते आ रहे हैं राहु महाराज। अब आपके लिए कर्म क्षेत्र स्वतंत्र होने जा रहा है और आपके लग्नेश की शुद्ध दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है। 30 अक्टूबर के बाद देखिएगा किस प्रकार आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में तेजी से बूस्टअप प्राप्त होता है। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में निरंतर उन्नति की तरफ प्रवेश करोगे। चाहे आप जॉब कर रहे हो, जॉब में प्रमोशन रुका हुआ है तो वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। जिन लोगों के पास वर्तमान समय में जॉब ही नहीं है, उन लोगों को जॉब निश्चित रूप से प्राप्त होगी। जो बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे, उससे भी आप मुक्त होंगे। और सबसे बड़ी अवस्था, कुटुंब परिवार में जो अपयश का सामना आपको करना पड़ा है, अपने रिश्तेदार मित्र गणों के सामने जो अपयश का सामना करना पड़ा है, अब वही लोग करेंगे आपकी जय जयकार। जो पिछले समय में, काफी लंबे समय से आपकी वाणी का जो वर्चस्व था, जो प्रभुत्व था, वो खो सा गया था, वो पुनः से आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। अद्भुत रूप से 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ी गतिविधियां करने जा रही है प्रवेश। और एक ही बात कहूंगा कि उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।